दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य गार्गी विद्यांत की लिखी कहानी सांझ बाती। मार्च का महीना शुरू हो चुका था। कुछ समय पहले ही विदा ले चुके बसंत के निशान हवा, पानी, पेड़ पौधों में अब तक बिखरे हुए थे। नीले आसमान में गुच्छेदार सफेद बादल तैर रहे थे, ठीक किसी कस्बाई बच्चे के ख्वाब में आने वाली सॉफ्टी आइसक्रीम की तरह। गुड इवनिंग घोष बाबू, सफेद धोती कुर्ता पहने सामने से धीरेन्द्र चले आ रहे थे। अरे धीरेन्द्र, की व्यापार, आज जल्दी लौटा है? घोष बाबू ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। बच्चे आज जल्दी छुट्टी करने की जिद कर रहे थे तो कर दी छुट्टी। इस बात पर उन्हें छेड़ने के अंदाज में घोष बाबू उनके कानों के पास धीमी आवाज में बोले, पुअर चिल्ड्रन, आज हिटलर सर के टॉर्चर से आखिरकार बची गए। फिर तो दोनों के ठहाके घोंसलों में लौटते परिंदों के सुरताल से मिलकर एक हो गए। उधर पश्चिम के आकाश से सूरज सबको अलविदा कह रहा था। संध्या आरती और गुरु वंदना समाप्त हो चुकी थी। अपनी रूखी हथेलियों में क्रीम लगाते हुए घोष बाबू के कानों में एक अपरिचित आवाज आई। अरे बाबा, नहीं जानती थी कि इस उम्र में भी मुझको रैगिंग का सामना करना पड़ेगा। मुझे नहीं आता कुछ। और फिर लोगों के ठहाकों से बैठक गूंजने लगा। घोष बाबू अपना चश्मा साफ करते हुए कौतूहलवश उसी ओर बढ़ गए। अरे नहीं, रैगिंग नहीं, बस नियम है। नया मेंबर अपना परिचय देने के बाद अपनी मर्जी से कुछ चाहे तो सुना दे। मिसेस दत्ता की आवाज थी वो। दरवाजे पर टंगे लाल सफेद पर्दे फागुनी हवा के साथ झूम रहे थे। पर्दे के उस पार हल्के पीच रंग की कड़क जामदानी साड़ी, सर पर ढीला जूड़ा और कंधे पर सरकते शॉल को ठीक करती हुई वो अपरिचिता बोली, कोशिश करती हूँ। फिर उस कमरे में शहद भरी आवाज में रविंद्र संगीत की धुन तैर गई। उस आवाज में वाकई कोई जादू था। घोष बाबू ने ताली बजाते हुए कमरे में प्रवेश किया। अपूर्व, साधु साधु जैसे शब्द तालियों के साथ सुनाई देने लगे। सामने खड़ी वो अपरिचिता मुड़ी और हाथ जोड़कर सबको धन्यवाद दिया। मिस सेनगुप्ता, इनसे मिलिए, ये है हमारी शांति तोरी के जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स अभिनंदन घोष। मैनेजर ने दोनों का परिचय करवाया। आपकी आवाज में चाय की खुशबू जैसी एक ताजगी है, कुर्सी पर बैठते हुए घोष बाबू ने कहा। मिस सेनगुप्ता हंस दी। अच्छा, चाय की खुशबू? दार्जिलिंग में ही पली बड़ी हूं शायद, इसलिए। दार्जिलिंग का नाम सुनते ही घोष बाबू की आंखों में बेमौसमी बादलों का झुंड घुसपैठ करने लगा। वो मन ही मन बुदबुदाए, दार्जिलिंग। अरे मुशाय, सिर्फ चाय की बातें करके चौप मुड़ी को शर्मिंदा ना करें आप लोग, धीरेन्द्र बोले तो सभी हंसने लगे। उस रात घोष बाबू के कमरे से दूर नारियल के पेड़ों की झुरमुट के उस पार चांद भी उदास लग रहा था, अनगिनत तारों के बीच। खिड़की से छन कर आती चांदनी घोष बाबू के हाथों में रखी एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर पर बिखर रही थी। तस्वीर पर कई सारे मुस्कुराते नौजवान खड़े थे और उसके ऊपर काले बोल्ड अक्षरों में लिखा था, दार्जिलिंग फुटबॉल क्लब 1972। एक कतरा आंसू उनकी आंखों के रास्ते होता हुआ लुढ़क गया। खामोश, अकेला। शांति तोरी ओल्ड एज होम में आने के बाद घोष बाबू की पुरानी यादें आज फिर से आंसू बनकर बह रही थीं। शांति तोरी ओल्ड एज होम कोलकाता शहर के शोर शराबे से थोड़ी दूर बना था। इस पेड ओल्ड एज होम को बसाने के पीछे यही सोच थी कि जीवन की सांझ में अकेला पड़ गया इंसान सुकून से सर ऊंचा करके यहां रह सके, कोई किसी को जज ना करे। कुल 25 लोगों का परिवार। उस दिन जब घोष बाबू की नींद खुली, दिन चढ़ चुका था। ताजा होकर वो बागीचे में चले आए। लाफिंग क्लास खत्म हो चुकी थी और कृष्ण चुड़ा पेड़ के नीचे योगा क्लास चल रही थी। न्यूज़पेपर ढूंढते हुए घोष बाबू ने सामने से चली आ रही मिसेस दत्ता से पूछा, आज का पेपर कहाँ गया? ओ बाबा, वो तो मिलने से रहा। देखिए, आपके धीरेन्द्र कहीं बैठ के एडिटोरियल पढ़ रहे होंगे। हंसते हुए मिसेस दत्ता आगे बढ़ गईं।
दरअसल घोष बाबू धीरेन्दा को अपना बड़ा भाई मानते थे और धीरेन्दा भी उनसे बड़ा स्नेह करते थे। धूप की तपिश हवाओं के पंखों पर सवार थी। दिन का सफर जारी था। स्टडी टेबल पर बैठे घोष बाबू किताब पढ़ने में मगन थे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। आप शायद न्यूज़पेपर ढूंढ रहे थे, मिस सेनगुप्ता की आवाज सुनकर वो कुर्सी से उठते हुए बोले। नहीं नहीं, आप पढ़ के बाद में दे दीजिएगा, वो पेपर उनकी ओर बढ़ाते हुए बोली। मैंने पढ़ लिया है, वैसे इसमें से एडिटोरियल पेज गायब है। वो हमें मिलने से रहा, धीरेन्दा का उस पन्ने पे एक्सक्लूसिव राइट है। घोष बाबू ने हंसते हुए पेपर टेबल पर रख दिया। मिस सेनगुप्ता की नजर उनके टेबल पर सजी किताबों पर गई। सामने की दीवार पर रामकृष्ण और मां शारदा की तस्वीर वाला कैलेंडर टंगा था। लगता है पढ़ने का शौक रखते हैं। मिस सेनगुप्ता की इस बात पर घोष बाबू ने अपनी मेज की ओर देखते हुए जवाब दिया। जी थोड़ा बहुत, आफ्टर ऑल बुक्स आर अ मैंस बेस्ट फ्रेंड, दे नेवर लेट यू डाउन। शुक्र है कुछ तो बचा है हमारे आपके पास जो लेट डाउन नहीं करते। मिस सेनगुप्ता के उस जवाब में गहरी निराशा थी। चंद सेकंड के लिए कमरे में खामोशी छा गई। कुछ पलों बाद चुप्पी तोड़ते हुए वो ही बोली, आजकल कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? महाश्वेता देवी को पढ़ रहा हूं, घोष बाबू ने टेबल से एक किताब उठाते हुए जवाब दिया। मैंने भी उनकी कुछ एक किताबें पढ़ी हैं, कहते हुए मिस सेनगुप्ता बाहर जाने लगी। शायद हम लोगों को लेट डाउन करने का मौका खुद ही देते हैं मिस सेनगुप्ता, अपने भीतर की उम्मीद को खोने मत दीजिए, संगीत भी तो उम्मीद का दूसरा नाम है। चेहरे पर एक उदास मुस्कुराहट लिए वो धीमे कदमों से बाहर की ओर बढ़ गईं। उदासियां बेरहम होती हैं, बात बेबात चली आती हैं मुंह उठाए और छोड़ जाती हैं अपने निशान। कमरे में उस पल भी उदासी मौजूद थी। उस शाम चाय पीते हुए धीरेन्दा बोल रहे थे, देखो घोष, इस सच से तो तुम मुंह नहीं मोड़ सकते कि छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। मिस सेनगुप्ता की निराशा जायज है ना, उम्र की संध्या में जड़ से अलग होकर जीना आसान नहीं है। चाय के कप से उठते धुएं को देखे जा रहे थे घोष बाबू। कोलकाता के शांति तोरी ओल्ड एज होम के छोटे से बागीचे में लौकी की फसल के लिए तैयार की गई जमीन पर नन्हे कोमल चारे सिर उठाए खड़े थे। आसपास की घास को खुरपे से साफ करते हुए अचानक ही घोष बाबू की नजर ओल्ड एज होम के अंदर बने मंदिर पर गई। वहां मिस सेनगुप्ता अकेली बैठी थी। हाथ धोकर घोष बाबू उसी ओर चले गए कि थोड़ा बोल बतिया लेंगे। उस पीपल के पेड़ में ढेरों परिंदों के घोंसले हैं, काक सालिक, सुबह शाम उनका शोर बहुत अच्छा लगता है। घोष बाबू की बात सुनकर वो पेड़ की तरफ देखते हुए मुस्कुराईं। उनके माथे पर सफेद बालों की छोटी छोटी लटें खेल रही थीं और कानों में छोटी छोटी बूंदें चमक रही थीं। जानते हैं घोष बाबू, बचपन में एक बार अमरूद के पेड़ में काक के बच्चे को देखने चढ़ी थी, फिर तो जाने कितने दिनों तक घर से मेरा बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। मुझे देखते ही सारे काक चोंच मारने दौड़ते, कहकर वो जोर से हंसने लगी। मिस सेनगुप्ता का चेहरा बोलता था, दिल में उमड़ रहे दर्द और खुशी दोनों की जुबान किसी आईने की तरह। टहलते हुए बातों ही बातों में उन्होंने बताया कि किस तरह बचपन में हुए एक एक्सीडेंट में माँ बाबा को खोकर अपने काकू काकी माँ के प्यार की छाँव में वो बड़ी हुई। चचेरी दीदी से खूब लाड़ मिला। दीदी की शादी के बाद एक बार फिर किस्मत ने शातिर चाल चली और ब्रेन ट्यूमर की बीमारी ने दीदी को भी छीन लिया। जीजा जी ने 3 साल की बच्ची को छोड़कर अपने जीवन की नई शुरुआत करने का फैसला किया और फिर वही छोड़ी हुई बच्ची उनके जीवन की एक नई शुरुआत बन गई। उसके लिए खुद कभी शादी ना करने का फैसला भी हंसते हंसते लिया। नौकरी और अपनी भांजी को बड़ा करने में उम्र के कई पड़ाव बदलते गए। दुख इस बात का नहीं कि वो मुझसे कोसों दूर पराये देश में चली गई, अम्मा कहती थी वो मुझे, कहते हुए वो रुक गई। उनका चश्मा आंखों की नमी से धुंधला गया था। दुख इस बात का है कि मैं ही उसके पास न रह सकी। क्या देश बदल जाने से रिश्तों की गर्माहट भी बदल जाती है घोष बाबू? कॉटन की साड़ी का पल्लू उनकी आंखों की नमी से गीला हो रहा था। उनके सवाल का जवाब घोष बाबू के पास भी नहीं था।
दर्द का बोझ उनके कदमों की चाल धीमी कर रहा था। उस रात में सेनगुप्ता खाने की मेज पर नहीं दिखी। घोष बाबू जानते थे कि शांति तोरी में आज एक दिल का दर्द एक बंद कमरे के पीछे पूरी रात जागने वाला है। आज फिर एक पुरानी कहानी किसी की सिसकियों में बहने वाली है। दिन अमलतास के फूलों जैसे खिलते और चुपचाप झड़ते जा रहे थे। तेजी से बढ़ते लौकी के पौधों को अब सहारे की जरूरत थी। घोष बाबू माली के साथ मिलकर पिछले दो दिनों से बांस का मचान तैयार करने में व्यस्त थे। मिस सेनगुप्ता भी आजकल कम नजर आती थीं। घोष बाबू ने जब कभी उनको देखा उदास ही पाया। उन्हें एक आध बार लगा कि जाकर उनसे बात करनी चाहिए, पर वो नहीं जा सके। हाँ, हर बार उन्होंने मन ही मन ये जरूर चाहा कि काश वो अपनी उदासी की बेड़ियां तोड़ सकें, तकलीफ के लिहाफ से खुद को निकाल सकें। दोल उत्सव में कुछ ही दिन बाकी थे। इस बार शांति तोरी के बाशिंदे शांति निकेतन जाकर उत्सव मनाने वाले थे। बोल जी, आज क्या इस सुखबर की खुशी में शुक तो बनाए? धीरेन्दा भात खाते हुए बोले। इस बात पर मैनेजर ने पान चबाते हुए कहा, ठीक बोल सन, आप सबके चेहरे पर मुस्कान देखने के लिए इतना तो बनता है। शांति निकेतन जाने की सारी व्यवस्था हो गई थी। मिस सेनगुप्ता नई जगह अच्छा महसूस कर रही थी, पर वो खुश थीं ऐसा नहीं कहा जा सकता था। धीरेन्दा ने उनसे एक आध बार बच्चों को संगीत सिखाने की बात भी कही थी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। किसी भरे पूरे पेड़ को जड़ से उखाड़कर नई जमीन पर रोपना मुश्किल होता है। उम्र के कई पतझड़ और बसंत भुलाने पड़ते हैं, वो भी आखिरी पड़ाव में आकर। दोल उत्सव की सुबह सब लोग तैयार होकर बस से निकल पड़े शांति निकेतन की ओर। सफर कुछ घंटों का था तो बस में खूब हंसी मजाक वाला मूड था सबका। बाहर हरी घास के समंदर में एक कतार में पेड़ किसी कश्ती जैसे तैरते लग रहे थे। खिड़की के पास बैठी मिस सेनगुप्ता ने हवा के झोंकों को महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। उनके चेहरे पर बिखरे बाल हवा में उड़ रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से चश्मा खोलकर हाथों में थाम लिया। अम्मा प्लीज चलो ना, प्रॉमिस, आपको बस हल्का सा अबीर लगाऊंगी, प्लीज प्लीज। भांजी के ख्यालों में खोई मिस सेनगुप्ता अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस करके चौंकी। सामने मिसेस दत्ता खड़ी मुस्कुरा रही थी। बोशो ना, कहकर उनसे बैठने का इशारा किया। जानती हो, पिछली बार हम सब दोल में मायापुर गए थे। मेरी तबीयत थोड़ा खराब थी, लेकिन खुद को अकेले रख के ही भला कौन सा ठीक हो जाना था। वो खिड़की से बाहर पीछे छूट रही गाड़ियों को देखकर कह रही थी। तभी घोष बाबू का गाना सुनाई दिया। मदमस्त होकर हाथ हिलाते हुए वो अंताक्षरी खेल रहे थे। जानती हो, जीना किसे कहते हैं ना, ये कोई इनसे सीखे। गाने में डूबे घोष बाबू की ओर इशारा करते हुए मिसेस दत्ता बोली, लगता है बागवानी के साथ साथ गाने का भी शौक है घोष बाबू को। अपने चेहरे से बालों को हटाते हुए मिस सेनगुप्ता बोली, अरे हमारे घोष बाबू तो अपने जमाने के स्टेट लेवल फुटबॉलर भी थे, पर। कहते कहते मिसेस दत्ता रुक गई। पर क्या? मिस सेनगुप्ता ने सवाल किया। एक गहरी सांस लेकर मिसेस दत्ता बोली, वही घर परिवार की जिम्मेदारियां जो कभी खत्म ही नहीं हुई, और घोष बाबू को फुटबॉल छोड़ना पड़ा। मिस सेनगुप्ता की नजर बस की पहली सीट में बैठकर गाना गाते हुए घोष बाबू पर ही टिकी थी। धीमी आवाज में उन्होंने पूछा, और उनका परिवार? वाइफ तो बहुत जल्दी चल बसी और बेटा बड़ा होकर विदेश में सेटल हो गया, पीछे रह गए अकेले घोष बाबू। ये जवाब सुनकर मिस सेनगुप्ता की आंखों में नमी उतर आई। उन्होंने एक टक घोष बाबू को देखते हुए पूछा, घोष बाबू नहीं गए बेटे के साथ रहने? नहीं, कहते हैं इस उम्र में विदेश का हवा पानी हजम नहीं होगा। मिसेस दत्ता ये कहकर चुप हो गईं। मिस सेनगुप्ता के चेहरे पर फिर से उदासी के फीके रंग तैरने लगे थे, और उनकी नजर अपने से कुछ सीट आगे बैठे जोर जोर से गाना गाते घोष बाबू पर टिकी हुई थी। वो सोचती जा रही थी कि क्या अपने अतीत से निकल पाना वाकई इतना आसान है। रास्तों के किनारे पलाश और सिमुल के पेड़, सर पर लाल फूलों की टोकरी लिए
नीले आकाश में लाल रंग बिखेर रहे थे। शांति निकेतन आने वाला था। रविंद्रनाथ की कर्मभूमि आज एक बार फिर गीत, संगीत, नृत्य और उल्लास से सराबोर थी। मैनेजर ने आश्रम ग्राउंड में सभी के बैठने की बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। सूरज की किरणें भी हवाओं के पंखों पर बैठकर रंगोत्सव का आनंद ले रही थीं। स्टेज पर विश्व भारती के विद्यार्थी बारी बारी से नृत्य प्रस्तुत कर रहे थे। बासंती रंग के कपड़ों की चमक चारों ओर छाई थी। पलाश फूल के गजरे बालों में खूब जंच रहे थे। शक्ति की दारुण, ऐसा लगता है मौसम के सारे रंग एक साथ जमीन पर बिखर गए। घोष बाबू की आवाज आई। तभी माइक से अबीर खेलने की घोषणा हो गई। उत्सव मानो अपने चरम तक पहुंच गया। फूल पत्ती से बना कई कई रंग का सूखा गुलाल हवा में तैरने लगा। बच्चों से लेकर बूढ़े सबके चेहरे देखते ही देखते रंगने लगे। घोष बाबू का सफेद कुर्ता किसी कलाकार के रंगीन कैनवस में बदल चुका था। मिसेस दत्ता, धीरेंदा और बाकियों के चेहरे भी अबीर से रंग गए थे। सब खुश थे उस पल। पर इस भीड़ से अलग थोड़ी दूर पर मिस सेनगुप्ता बच्चों के एक झुंड के पास बैठी थी। बीच बीच में कोई बच्चा दौड़ कर आता और उनके माथे पर अबीर से टीका लगा देता। पीली हैंडलूम की साड़ी पर गुलाबी छींटे खिल रहे थे। मिस सेनगुप्ता, आप यहां हैं? सब आपको ढूंढ रहे हैं। घोष बाबू ने उन्हें आवाज लगाई। पानी पीने इस ओर चली आई थी। बच्चों को देखा तो रुक गई। उनके गालों पर सूखे रंग के बीच से आंसुओं के दाग साफ दिख रहे थे। रुमाल से अपना चेहरा साफ करते हुए घोष बाबू वहीं बैठ गए। दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे, पर शायद दोनों ही कुछ कहना सुनना चाहते थे। आखिर घोष बाबू ने ही बात शुरू की। मैं मानता हूं हमारी सोच ने ही हमको अपने बच्चों से अलग कर दिया। बच्चों के लिए बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट नौकरी, बेस्ट जीवन साथी हम ही तो चाहते थे ना। फिर जब वो अपने को बेस्ट बनाने की दौड़ में हमसे आगे, बहुत आगे निकल गए, तब हम दुखी हो रहे हैं। उनकी बातें सुनकर मिस सेनगुप्ता की पलकों में एक कतरा मोती अटक गया। घोष बाबू ने अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया और बोले, हमने जीवन का एक लंबा सफर तय किया है, थोड़ी हंसी, ढेर सारी तकलीफों के साथ, पर अब सफर अपने आखिरी स्टेशन में पहुंच गया है। यहां हमें अपना बीता कल भुलाकर आराम करना है। बीता कल तो वापस नहीं आने वाला, फिर क्यों उसके बारे में सोच के दुखी होना है? घोष बाबू बोलते जा रहे थे और वो जमीन की ओर टकटकी लगाए सुनती जा रही थी। आगे बढ़कर घोष बाबू ने उनके कंधे पर थपकी लगाते हुए कहा, खुद को किसी और के लिए दुखी मत कीजिए प्लीज। डबडबाई आंखों से मिस सेनगुप्ता घोष बाबू की ओर देखने लगी। तेज रुलाई आई और इस दफा उन्होंने रोका नहीं, रो ली फूट फूट के, जी भर के। शांत हुई तो दूर बाउल के एक तारा से आती कोई धुन सुनाई दे रही थी। शांति निकेतन से वापस लौटकर उस रात मिस सेनगुप्ता की आंखों में थकान और पीड़ा दोनों थीं। वो अपने कमरे में खिड़की से टेक लगाए खड़ी थीं। पूर्णिमा का चांद आकाश की चौखट पर बैठा मुस्कुरा रहा था। वो भी तो उस चांद की तरह मुस्कुराना चाह रही थीं, अपना बीता कल भुलाना चाह रही थीं, पर भूल नहीं पा रही थीं। वो महसूस कर रही थीं कि खुद को आजाद करना कितना जरूरी है। शांति तोरी में उनके आसपास ऐसे कितने लोग हैं जो अपने जीवन की किताब पर एक नए पन्ने पर एक नई कहानी लिख रहे हैं। फिर वो ऐसा करने में क्यों असफल हो रही हैं बार बार? दीदी के जाने के बाद मासूम भांजी को अपनाने का फैसला तो उन्होंने खुद लिया था। उस फैसले को उन्होंने दिलो जान से सफल भी बनाया। वो और बात है कि अब उनको लगने लगा था कि शायद भांजी को उनकी जरूरत नहीं है। रात गहराती जा रही थी और मिस सेनगुप्ता की आंखों में चांद भी जाग रहा था। झिंगरों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। मेज पर रखी किताब के पन्ने हवा में उड़ रहे थे। घोष, ये देखो, कल के दो उत्सव की फोटो पेपर में छपी है, हमारे होम के बारे में भी लिखा है। धीरेंदा ने उन्हें पेपर देते हुए कहा। घोष बाबू मुस्कुरा दिए। डाइनिंग हॉल रोज की तरह लोगों और बर्तनों की आवाज से गुलजार था। ये आज की दाल में स्वाद कुछ ज्यादा ही लग रहा है, बात क्या है भाई?
घोष बाबू के बगल में बैठे धीरेन्द्र ने उंगलियां चाटते हुए पूछा, आज मिस सेनगुप्ता ने रसोईये को दाल में स्वाद बढ़ाने का सीक्रेट टिप दिया था। मिसेस दत्ता की ये बात सुनकर सब लोगों ने मुस्कुराकर मिस सेनगुप्ता की तरफ देखा, जो आखिरी टेबल पर बैठी थी। वो थोड़ा झेंप गई। घोष बाबू को ये सुनकर अच्छा लगा। उस दोपहर उन्होंने एक एक्स्ट्रा कटोरी दाल बड़े चाव से खाई। उस शाम मोगरे के पौधों में पानी देते हुए घोष बाबू को ऐसा लगा मानो वो कितने दिनों बाद खुशबूदार मोगरों को देख रहे हैं। संध्या होने में अभी कुछ देर थी। हल्की रोशनी में फूल चमक रहे थे। बाबा कहते थे, बागवानी सबके बस की बात नहीं है। पीछे से मिस सेनगुप्ता की आवाज आई। घोष बाबू ने मुड़कर देखा तो उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। आपके बाबा सही कहते थे, गार्डनिंग इज एन आर्ट। पौधों में पानी देते हुए उन्होंने कहा, आपको गाने के अलावा खाने का भी शौक है, आज दो कटोरी दाल खाई। मिस सेनगुप्ता ने मुस्कुरा के सवाल किया तो घोष बाबू हंस दिए। घोष बाबू, ये मैक्सिकन सनफ्लावर के बीज हैं, जाने क्या सोच के इनको दार्जिलिंग से यहां ले आई। सुना एक अच्छा बागवान पहाड़ के फूलों को कहीं भी उगा सकता है। चुप्पी तोड़ते हुए मिस सेनगुप्ता ही बोली। उनके हाथों में एक छोटा सा पैकेट था जिसे उन्होंने घोष बाबू की ओर बढ़ा दिया। पानी का ट्यूब हाथ से नीचे रखते हुए घोष बाबू ने उनके हाथों से बीज वाला पैकेट ले लिया। उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी छा गई। आखिर उस पैकेट में उनके अपने दार्जिलिंग की खुशबू थी। उन्होंने कुछ बीज हथेली पर गिरा दिए और बोले, ये मैं तभी ले सकता हूं जब आप वादा करेंगी कि दार्जिलिंग के इन फूलों को यहां उगाने में आप भी मेरा साथ देंगी। उनकी इस बात पर मिस सेनगुप्ता ने सर हिलाते हुए सहमति दे दी। कृष्ण चुड़ा के पेड़ से आता पंछियों का शोर बहुत मधुर लग रहा था। एक बात और बतानी थी आपको। धीमे कदमों से ओल्ड एज होम में बने मंदिर की ओर बढ़ते हुए मिस सेनगुप्ता बोली, मैंने धीरेन्द्र से बात कर ली है, कल से मैं उनके साथ बच्चों को संगीत सिखाने जाऊंगी। घोष बाबू बस मुस्कुरा दिए। उन्हें यह जानकर अच्छा लग रहा था कि आखिरकार मिस सेनगुप्ता ने खुद को खुश रखने का फैसला ले ही लिया था। दो थके लोग अपना अपना बीता हुआ कल भुलाकर अब केवल आराम करना चाहते थे। जिंदगी के आखिरी पलों को हंसते हुए जीना चाहते थे। संध्या आरती शुरू हो चुकी थी। पंच प्रदीप की रोशनी बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिस सेनगुप्ता खुश थी आज और घोष बाबू के कुर्ते की पॉकेट में रखे मैक्सिकन सनफ्लावर के बीज एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहे थे। बस इतनी सी थी ये कहानी।